हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जाने वाले हैं कि अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप की एप अगर लार्ज हो जाए तो उसे अरेंज कैसे करें स्मॉल साइज में या स्मॉल आइकन में या मीडियम आइकन में। तो इस वीडियो में हम उसी की पूरी स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए बने रहिए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना होगा, माउस के राइट बटन को क्लिक करना है। राइट बटन क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर व्यू का ऑप्शन मिलेगा। व्यूज के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके थोड़ा देर वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने ये आपके ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ लार्ज आइकन, मीडियम आइकन और स्मॉल आइकन। यहाँ पे ऑप्शन है मीडियम आइकन। मीडियम आइकन क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, क्लिक करने के बाद आपको एप की साइज इतनी बड़ी हो जाएगी, जैसे अरेंज हो चुकी है अच्छी सी। और सेकंड जो ऑप्शन है आपके पास व्यूज पे जाने के बाद, यहाँ स्मॉल आइकन, स्मॉल आइकन पे आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, जैसे ये स्मॉल साइज में यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे लार्ज, मीडियम और स्मॉल तीन आइकन आपको दिया हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा हो लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।